A very warm welcome to yet another episode of Success Tales, Real People, Real Stories. Nestled in the heart of Roorkee's Bhagwanpur village, Uttarakhand, India, Mesa's grandpa is a patron-led and operated dairy farm dedicated to providing 100% raw and wholesome milk. Today, we are so delighted to have Ms. Shweta Agarwal, founder of Mesa's grandpa dairy farm. Welcome, Shweta. Welcome to Success Tales. Thank you so much, Shweta. Yeah, Shweta. So, how was Mesa's grandpa founded, Shweta? It was planned in 2016. 2016 से हम लोगों ने plan करना शुरू किया था. काफी जगह हमने उत्तराखंड में land search किया क्योंकि हर चीज की इसमें raw material की means water supply हम लोगों को और connectivity की easily हम लोग customers तक पहुंच सके. तो काफी सर्च चला एक साल तक तो सिर्फ हमने लैंड ढूंढा. उसके बाद लैंड मिला हम लोगों को मतलब अच्छा लैंड ताकि आगे आगे हमें अपने जो कैटल्स हैं वो इंक्रीज ही करने हैं. तो उस हिसाब से हमने अपना लैंड खुद खरीदा. फिर हमने जो है एक साल उसकी कंस्ट्रक्शन में और एक ये करनाल में NDRI है तो वहां से एक प्रोफेसर हैं उनसे हमने पूरा कंसल्ट किया. पूरा मतलब ट्रेनिंग भी ली हमने. ये थी हमारी 7 days की हमारी ट्रेनिंग थी इसी डेयरी फार्म से रिलेटेड. सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला. सारी चीजें हमें डेयरी फार्म कैसे सेटअप किया जाता है, क्या काउस को प्रॉब्लम आती है, क्या मतलब सब चीजें रहती हैं उनका डॉक्टर मेडिकेशन वगैरह सब. फिर क्या एक प्लांट में पहले तो हमारा प्लांट ही कंसर्न था कि पहले हमारा प्लांट जो डेयरी फार्म है वो अच्छे से सेट हो जाए, काउस हेल्दी रहें, हैप्पी रहें. क्योंकि इन दिनों क्या होता है अभी तो थोड़ा रेनी सीजन है ठीक है काउस के लिए, लेकिन जो समर्स आती हैं और एक्सट्रीम विंटर्स जब होती हैं तो हमारे कैटल्स बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो उस टाइम कैटल्स अगर हैप्पी नहीं रहेंगे तो फिर वो अच्छा दूध नहीं देते हैं, दूध ही देना बंद कर देते हैं. तो उनके लिए एक हैप्पी और एक मतलब ऐसा कि उन्हें दिक्कत ना हो, चोट ना लग जाए अगर वो वॉक करें. और हमारा आप कभी जाए हमारे डेयरी फार्म पे तो पूरा ओपन एरिया तो हम खुले ओपन भी छोड़ते हैं अपने कैटल्स को जो कि बहुत जरूरी है. वो पूरा एक साल प्लान चला, कंस्ट्रक्शन चला वर्कर्स के लिए वहाँ. फिर उसके बाद हम जब मार्केट में आए तो बहुत सारी चीजें थी. तो फर्स्ट डे हमने 1 week तक तो सिंपल अपने नोन्स को ही रेट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमने दिल्ली की डिलीवरी में क्या क्या हर्डल्स आएंगे. हम लोगों को काफी हर्डल्स आए कि न्यू कस्टमर्स, न्यू एड्रेसेस. धीरे धीरे करके खैर हमने स्टार्ट किया. तो 2 months को ऑलमोस्ट हमें डिलीवरी को क्या है कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट हमारा मिल्क स्पॉइल ना हो. तो 2 months को हमें कोई चीज नहीं लगा. लेकिन अब ये ऑलमोस्ट 3 years हमको 15 August को हो जाएंगे. अब लगता है कि काफी एक्सपीरियंस हो चुका है. लेकिन ये कि अब हमें आगे आगे अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च बिल्कुल. So, Shweta, like as women co-founders, what were your challenges when you started this? Challenges ये थे कि actually मेरे को family friends का concept थोड़ा हमको नया था, but कुछ जो होते positive vibes and positive people, उनसे ही surround किया और जो है फिर hurdles ये आते थे कि आपको किसी भी time कहीं नहीं जा सकते हैं. तो हस्बैंड का काफी सपोर्ट मिला कि कहते हैं कहीं भी जाना है लैंड देखने या कुछ भी है. और फिर बच्चों को भी थोड़ा सा देखना था. अभी एक्चुअली वन माय एल्डर सन इज इन 9th class एंड यंगर वन इज इन 4th class. तो वो सारी चीजें मैटर करती थी. वुमेन्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है बट देहरादून में अच्छा है मतलब एनवायरमेंट कम्पेयर टू अदर सिटीज. तो क्या कहते हैं ऐसे बहुत ज्यादा हर्डल्स थी है. बल्कि क्या होता है कि वुमेन्स एज अ वुमेन हम लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर मिलता है कि कस्टमर्स एकदम से हाइपर नहीं होते. अभी क्या होता है कि मेल मेंबर्स को भाई ऐसे कैसे ऐसे भाई हमें श्वेता मैम से बात करनी है. कुछ कस्टमर्स तो इतने ज्यादा अच्छे रहते हैं या इतना ज्यादा मतलब कंसर्न है या जे कि मतलब अटैच है कि भाई श्वेता मैम से ही डायरेक्ट बात. तो ऐसे बहुत ज्यादा की हर्डल्स नहीं आए. बस ये थोड़ा सा फंडिंग का रहता है कि जल्दी से लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है. लेकिन जब आप अच्छा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, तो हो जाता है. राइट. सो श्वेता, जैसे कि आपने बताया आपका फार्म जो है वो भगवानपुर विलेज में है, राइट? भगवानपुर तहसील लगती है. भगवानपुर अच्छा. यहाँ देहरादून से ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर मेन कह सकते तहसील को है. So, आपका प्लांट वहाँ है और आपका ऑफिस यहाँ GMS रोड पर है देहरादून में. जी,
राइट हाँ जी हाँ जी हमारा बैक साइड में रेजिडेंस है, फ्रंट में ऑफिस है। तो जैसे कि आप तीन को फाउंडर्स हैं, आप हैं श्वेता, श्वेता आप है, विद्या है, सृष्टि है, राइट? सो आप लोग कैसे? विद्या सृष्टि काला एक ही नाम है। अच्छा 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 अच्छा, सो यू एंड विद्या, राइट? यू बोथ आर हैंडलिंग दी ऑपरेशंस, है ना? हाँ जी, और एक एक हमारे साइलेंट पार्टनर है, ही लिव्स इन यूएसए। ओके, वो मेन गाइडेंस एक्चुअली, वो आपने अगर सुना हो तो यूपी में धामपुर है, वहां से वो बिलोंग करते हैं। तो उनका शुरू से ही था बैकग्राउंड, उनका ये काफ्स एंड कैटल्स का रहा, उन्हें काफी अटैचमेंट है इन चीजों से, तो वो गाइड करते रहते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा, गुड गुड। So, Shweta, please share with our viewers about the entire process जो आपके फार्म में होता है, जैसे rearing, harvesting, आपका storing, processing, packaging और delivery, ये किस तरह से आप लोग करते हैं from right from the start? मैम हमारा इसमें जो है 24 आवर्स हमारा को इसमें एक्टिव रहना पड़ता है। हमारी सबसे पहले प्लांटिंग है वो अर्ली मॉर्निंग, मतलब आपको समझिए 3 बजे वो उठ जाते हैं प्लांटिंग, वो मिल्किंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। मिल्किंग के बाद हम उसको, हमारे पास बड़े दो मशीन्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ काउ मिल्क, अगर आपको थोड़ा आइडिया हो, हमारा है एक HF और एक प्रीमियम A2 मिल्क। तो दोनों का हमारे स्टोरिंग एंड कूलिंग अलग अलग होती है, क्योंकि क्या कहते हैं हमें कांच की बॉटल में हमें उसको पैक करना होता है। अगर हम उसको जो रॉ मिल्क है वो क्या होता है, वो न्यू फॉर्म होता है। अगर हम डायरेक्ट कांच की बॉटल में उसको बिना कूल किए फिल करेंगे वो फट जाएगा, क्योंकि उसको एयर नहीं मिलेगी। कांच की बॉटल हमारी सील पैक रहती है ताकि हाइजीन रहे और लोगों को ये श्योरिटी रहे कि भाई 100% जैसे उसको हम थोड़ा कूल करते हैं, चाहे समर्स में तो करना ही करना है और विंटर में भी हम थोड़ा चिल करते हैं। उसके बाद जो है हमारी एक ये एक टीम है जो काउ से मिल्किंग करती है, मिल्किंग मशीन्स है हमारी। उसके बाद एक दूसरी टीम है जो पैकिंग करती है, जो पैक करती है और एक हीट गन से हम लोग उसको उसको ही पैक करते हैं, ताकि कोई भी एडल्ट्रेशन का, जैसे प्लांट से हमारी बड़ी वैन आती है, मेन वैन आती है, उसमें अभी ऑलमोस्ट हमारा 900 लीटर्स बियर सप्लाई इन देहरादून, तो वो हमारा आता है। उसके बाद 8 व्हीकल्स और है हमारे, उसमें अपने अपने टीम हमारा। इसमें क्या होता है, शाम अर्ली प्रीवियस इवनिंग से ही हमारा वो स्टार्ट हो जाता है, हमारे पास डिमांड आ गई, वो हमें वहाँ फॉरवर्ड कर, वहीं से क्रेट्स लोड होके आती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हर लड़के के पास हमारा एक ग्रुप्स बने हुए हैं, हर ईच एंड एवरी कस्टमर की डिटेल हर लड़के को पता है, अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसको जाना है। फिर क्या होता है कि जब हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिलीवर्ड हो जाता है हमारा मिल, उसके बाद हमारा ऑफिस का स्टाफ है मैम, वो हमारा क्या कहता है, लेता है डिटेल कि भाई किस कस्टमर ने लिया, किसने नहीं लिया, कितनी डिमांड है, कि कल कितना आपको रिक्वायर्ड होगा, वो यहाँ पे होता है। फिर सेम में हमारा सॉफ्टवेयर है मैम, जिसमें एंट्रीज जाती है, कस्टमर डिटेल जाती है, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, और उसी पे हमारी फिर क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर से हमारा मंथ एंड में जाके क्लोज हो जाता है। फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ हमारी बिलिंग हो जाती है, वो PDF फाइल के थ्रू हम लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, वो चेक करते हैं कि वेदर योर बिल इज करेक्ट और नॉट, राइट। मैंने आपकी वेबसाइट पे पढ़ा है, द सीक्रेट टू रनिंग अ सक्सेसफुल डेयरी फार्म इज लव थाय काउज, क्या आप इसे थोड़ा सा और इलाबरेट कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए? हाँ जी बिल्कुल, क्या कहते हैं मैम, जो काउज है ना वो बहुत ही सिंपल एनिमल है मैम, आप कहीं भी देखो तो वो किसी को कुछ नहीं कहती है, और उसकी जो भी चीजें है मैम, चाहे मिल्क से है, चाहे काउ डंग है, चाहे काउ मैम, एवरीथिंग इज वेरी यूजफुल। तो काउ डंग से हम लोग वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, लेफ्ट ओवर मिल्क से हमारा घी बन रहा है मैम। अभी क्या है, हमने एक डॉक्टर पर्टिकुलर अमाउंट अपॉइंट किया हुआ है जो 24 आवर्स में ही रहता है, और क्या कहते हैं किस काउ को कैसे, मतलब जो है क्या चाहिए, कितनी बार उनको क्या कहते हैं एनवायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब बिना किसी रीजन के वो मिल्क देना, तो वो और जो उसकी टीम ही अलग बनी हुई है मैम, और एक जो हमारे पार्टनर देख रही है मैं बता रही हूँ, तो वो उनका काम ही यही है कि काउज मेरी हैप्पी होनी चाहिए, अगर हैप्पी काउ नहीं हो तो वो मैम मिल्क की क्वालिटी में ही बहुत फर्क आ जाता है। और जब उनको क्या कहते हैं बेबी काफ होता है, तो पूरा हम रेस्ट टाइम देते हैं उनको, 7 to 10 days उसको हेल्दी खाना साथ में देते हैं, उसके बेबी की भी पूरी केयर होती है साथ में रखा जाता है, ताकि उसको बहुत अच्छा लगे। राइट, बिल्कुल, क्योंकि मैं एक
आर्टिकल पढ़ी थी। मैं भी अपनी पीएचडी कर रही हूँ बायो अकूस्टिक्स में, जिसमें हम मुरा बफेलोज पे काम कर रहे हैं, शुरू भी करेंगे काम। तो उसमें मैं ये पढ़ रही थी कि जब न्यूली बॉर्न मतलब काफ है, अगर उसे सेपरेट कर दिया जाए उसकी मदर से, तो काफी स्ट्रेस में आ जाते हैं मदर भी और काफ भी, राइट? सो हाँ जी, जैसा आपने कहा कि आप लोग काफी रेस्ट टाइम भी देते हैं बर्थ के बाद, उन्हें साथ भी रखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, दैट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग। मेल काफ को भी हम 1.5-2 साल अपने पास रखते हैं, मैम मेल काफ को। नहीं तो ज्यादा टेरेरी फार्म क्या करते हैं, 3-4 महीने उनको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उन्हें नहीं मतलब। हमने एक पर्टिकुलर हमारा जो काउ कहते हैं, काउ का एक एनजीओ है वही हमारे फार्म के पास, उनको प्रॉपर डोनेट करके जो भी थोड़ा उनका खर्चा वर्चा होता है वो सब हम देते हैं मैम मेल काफ के लिए। नहीं हमने रेंडर से छोड़ा, बेबी काफ तो अभी हमारे काफी अच्छे ग्रो हो गए हैं। और जो A2, हाँ साहिवाल के लिए मैं एक बार बताऊं, अगर साहिवाल का बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए या वो उसको हम नहीं मिलाए तो वो दूध नहीं देगी मैम। अगर उसका बेबी काफ उससे दूर कर दिया जाए या किसी इंसिडेंट की वजह से उसको वो मतलब एक्सपायर हो गया, वो दूध देना बंद कर देगी। तो साहिवाल का तो चाहे मेल काफ हो जाए उसको तो उसके पास रहने HF का है वो दे देती है, बट अच्छा। ये है कि हम फिर भी रखते हैं, बस ये कि हम बने ना आप फिर आपको भेज सकते हैं। अभी इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है, बल्कि मेरा जो यंगर सन है वो सिर्फ मतलब अभी भी जैसे हम कोरोना टाइम में हमारी विजिट्स कम हो गई थी, लेकिन तो ये है कि काउ से मिलने जाना है, बल्कि उसको एक एक काउ की नॉलेज है, कौन सी तेज है, कौन सी लीडर है, कौन सी सीधी है, कौन सी सी सर मतलब टच भी नहीं करने देती। एक एक काउ के ऐसे है कि मतलब जो उनके परमानेंट टीम है उनके लिए कोई को टच करने देती है, कुछ काउ ऐसी है तो हमें भी डर लगता है उनके पास है कि खुद आगे हमारे पास आते हैं कि हमें टच करो, हमें पैम्पर करो, ऐसे भी काउज है। मैंने आपकी वेबसाइट में साहिवाल, जो साहिवाल काओ है उसके हम्प के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था कि उसकी हम्प की जो क्वालिटीज हैं, क्या थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे आप? मैम हम्प का ये है कि जब सनराइज होता है तो वो उसके सूरज की किरणों से उसका कुछ कनेक्शन है, तब जो वो प्रेसेस होता है बिना, देखिए ब्राउन काउस बहुत सारी है बट जो काउ विद हम्प है दैट इज साहिवाल काउ। तो जो है वो हम्प की वजह से ही उसकी पहचान है कि अगर हम्प है तो वो साहिवाल काउ, उसका कुछ कनेक्शन है मैम, जिसकी वजह से जो उसका A2 मिल्क है वो विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल मिल्क इन द वर्ल्ड। देसी काउ मिल्क जो है ऐसा काउ मिल्क, और भी जैसे अमेरिकन काउज है, न्यूजीलैंड की काउज है, जितना बेनिफिशियल नंबर वन मिल्क जो इसका है मदर मिल्क से कंपेयर किया गया है। तो हम के बारे में क्योंकि सनलाइट से जो है वो होता है कनेक्शन, तो उससे बहुत अच्छे हम लोग उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है। राइट राइट। जब आपने शुरू किया था और अब मतलब व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ योर कैटल व्हेन यू स्टार्टेड एंड व्हाट इज इट एट प्रेजेंट? हम 5 कैटल्स थी तब, हम 3 नेचुरल आए थे, 2 साहिवाल्स के थी, हमारा प्रीमियम मिल्क था मैम A2 मिल्क, और जल्दी से 75 रुपीज जैसे हम लोग A2 मिल्क का लेते हैं तो बहुत कम जो हमारे नोन थे या जो भी हेल्दी वेल्दी है वो ही जल्दी से ज्यादा ही कंसर्न है अपने हेल्थ के लिए, तो उन लोगों ने लिए तो हमने थोड़ा थोड़ा मिल्क किया, जैसे जैसे डिमांड आती गई वैसे वैसे हमने अपनी कैंडल। सो नाउ इट इज वी हैव ऑलमोस्ट 60 कैटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5 कैटल्स वी हैव काफी इम्प्लॉइज अपने आपकी टीम में होंगे, सो हाउ मेनी इम्प्लॉइज स्ट्रॉन्ग इज योर वेंचर एट द मोमेंट? मैम वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 5 एम्प्लॉइज, 3 इन डिलीवरी टीम, from 3 vehicles we have started and now we have almost 25 employees we have in our total plant team and office team. Okay, very good, very good. आपने एक जगह mention किया है आपका motto सशक्त नारी and स्वस्थ समाज, सशक्त नारी स्वस्थ समाज, तो as an employer
कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट अपने वेंचर में? मैम बिल्कुल, क्या कहते हैं मैम, आगे देखिए जो है एक मेल मेंबर को कंसिडर किया जाता है कि ही इज द अर्निंग मेंबर, बट मैम जो फैमिली का ध्यान रखती है वो लेडी है. लेकिन आज की फैमिली जो लेडी है वो इतनी मतलब इनेबल है कि वो अपने बच्चों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखे और अपनी सोसाइटी का भी ध्यान रखे. जैसे पहले वो रिलेटिव्स का ध्यान रखती थी, पूरी फुल फैमिली का, अब दायरा बढ़ गया है मैम. तो अब जैसे मैंने ऑफिस में भी 2 गर्ल्स रखी हुई हैं और अभी भी हमारा स्टाफ जैसे बढ़ी रहे, काम बढ़ रहा है, स्टाफ बढ़ रही है, तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि गर्ल्स बढ़े लेकिन गर्ल्स के साथ थोड़ी सी बाउंडेशन टाइमिंग की आ जाती है. फैमिली कंसर्न होते हैं मैम, तो ये हमारा मेन है कि हेल्दी मिल्क हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो हेल्दी फैमिली रहेगी और फिर गर्ल्स को भी हम लोग जो है सपोर्ट करते हैं. हमने कुछ वहाँ पे भी रखे थे मैम, प्लांट में भी हमने जो विलेजर्स हैं उनसे ही कुछ फीमेल्स वगैरह रखी थी ताकि जो है वो अपनी फैमिली के लिए कुछ करे, चाहे भले ही विलेज में रह रही हैं बिल्कुल, उसके अलावा दूसरे प्लांट पे भी काम बिल्कुल सैटिस्फाइड. तो क्या कहते हैं, और फिर मैम एक लेडी आगे बढ़ती है तो चार को और मोटिवेशन मिल जाएगा बिल्कुल. और सबसे बड़ी बात मेरे बच्चे में खुश होते हैं कि यस मम्मा यू आर डूइंग ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वेरी नाइस कि आप एमबीए हो. पहले कहते थे मम्मा आपने एमबीए किया है, तो फैमिली प्रायोरिटी है, आप ये है कि कुछ मिला है करने को भी जो right. बिल्कुल. और मैंने देखा है आप दोनों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, आपकी भी एंड विद्या जी की भी. एंड जिस तरह से आप कम्युनिटी को वापस यू नो ब्रिंग, कहते हैं ना गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी, जिस तरह से आप ये कर रहे हैं इट्स कमेंडेबल श्वेता, सीरियसली. हाँ जी, तो अभी एट प्रेजेंट आप हाउ मेनी सिटीज आर यू सर्विंग एट द मोमेंट? राइट नाउ वी आर सर्विंग ओनली इन देहरादून. देहरादून इज क्वाइट बिग सिटी. अभी भी कुछ एरियाज लाइक प्रेमनगर एंड क्लेमेंट टाउन एरिया वी आर नॉट कवरिंग. वी आर ट्राइंग टू कवर दैट एरिया ऑल्सो. एक्चुअली थोड़ा सा उसकी कनेक्टिविटी थोड़ा दूर पड़ जाता है. हमें एटलीस्ट 10 to 12 कस्टमर्स मिले एक साथ तो हम लोग जरूर वहाँ पे. वहाँ पे इवन प्रेमनगर साइड काफी अच्छी सोसाइटीज मैंने सुना है कि डेवलप हो रही है. जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन्स हैं वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहाँ पे, तो हमें काफी मतलब आता है कि मैम एक बार यहाँ पे ड्राइव करवाइए, यहाँ पे स्टार्ट करिए अपनी सर्विसेज जो उनके नोन है रिलेटिव्स हैं वो. तो मैम अभी देहरादून में ही काफी एक्सप्लोर करने के लिए. फिर मैम हमने बहुत ज्यादा कस्टमर बेस के लिए हमारा हम ये कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उन्हीं को हम क्वालिटी और ऐड करें. लाइक हमारे प्रोडक्ट्स जैसे अभी कर्ड की एंड पनीर की बहुत डिमांड आती है, मिल्क प्रोडक्ट, इवन बटर की बहुत डिमांड आती है. जो ओल्ड एज लोग हैं या जो कहते हैं पंजाबी लोग हैं वो बहुत डिमांड है. अभी हम अपने प्रोडक्ट वैल्यू बढ़ाएंगे मैम, रादर देन हम कस्टमर बेस बहुत ज्यादा करें और फिर हम मैनेजमेंट अपना क्वालिटी मेंटेन करके रखनी है मैम. इसमें मेन क्वालिटी है जी, ऐसा नहीं है कि आज आपने क्वालिटी दे दी कल नहीं देंगे. बिल्कुल मैम क्वालिटी मतलब मैटर करती है. अभी जो है उन्हीं को हम और प्रोडक्ट्स मतलब इवन अभी शायद अगस्त में हम लोग अपना कर्ड भी लॉन्च कर देंगे, उसके बाद हम पनीर में जो है काफी डिमांड रखती है ऑल ओवर. Right, right. So, are you also looking to expand? मैम बिल्कुल कि expand, क्योंकि मैम जिस हिसाब से इसमें हमारा मन लगा हुआ है और जो है लोगों की डिमांड आ रही है, बट कितनी बार हम कस्टमर बेस को स्टॉप करते हैं कि भाई अभी हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कैटल्स एकदम से मंगाना मिल्क करना तो बहुत इजी नहीं होता. तो कैटल्स भी हम ऐसा नहीं है मैम कोई भी रिटर्न कैटल हम ले आते हैं, हमारे पर्टिकुलर कुछ रहते हैं वो कंसेंट उनके हिसाब से भी हम वेट करते हैं और अच्छा कैटल करते हैं. तो मैम क्या कहते हैं एक्सपेंड तो करना ही करना है. अभी 60 cows तो हमारा जो शेड है, जो हमारा लैंड है वहाँ पे वो हमारा 100 cows तक का है. तो 100 cows तक तो हम लोग जाएंगे मे बी विद इन 1 year वी विल गो टिल 100 cows. Right. So, are you also open to collaboration? हम collaboration के लिए तो अभी नहीं, हम open
अच्छा. नहीं है. हाँ, बल्कि हमारे जो कुछ वेंडर्स हमारे पास आते हैं कि आप हमसे मिल्क वो दही ले लीजिए एंड पनीर हमारा ले लीजिए आप अपने नाम से, बट मैम हमें अपने अलावा किसी और की क्वालिटी पे नहीं ट्रस्ट की. अभी जैसे हमें अपना पता है कि हम 100% जो है मिल्क है तो वो मिल्क ही है, कोई एडल्ट्रेशन. इवन अभी होली पे हमारा चेक हुआ था, हमारे भी बॉटल की फोटो आई थी, क्योंकि होली पे और दिवाली पे काफी रेंडम सैंपल्स लिए जाते हैं, तो जो है उसमें हमारा 100% प्योर निकला है मिल्क. तो कोई भी कभी भी टेस्ट करे तो हमारा, क्योंकि हमारा मैम सेम मिल्क जो कस्टमर्स को दे रहे हैं वही हम अपनी फैमिलीज में यूज कर रहे हैं, तो जो हम अपनी फैमिली से तो कोई कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करेंगे, चाहे कम दे लेकिन अच्छा दे, वही सेम है मैम. तो बाहर आउटसाइडर्स पे हमें आज से ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन जो है हमारे ही मिल्क से रहेगा जो भी रहेगा, चाहे टाइम लगेगा बट अभी कोलैबोरेशन कर. वेरी नाइस, वेरी ब्रिलियंट मैम. अच्छा, आपके लिए कस्टमर फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट है? मैम कस्टमर इज किंग, तो जो है कस्टमर फीडबैक तो हम खुद ही कॉल करके लेते हैं कितनी बार, और फीडबैक तो मैम हमारे पास डेली आते हैं, और क्या कहते हैं मैम जैसी फीडबैक आते हैं हमारा ये है कि क्विक एक्शन लिया जाए, चाहे फेस्टिवल्स हो चाहे सैटरडे संडेज हो. हाँ बस ये कि नाइट में आफ्टर 8 o'clock हर किसी का फैमिली टाइम है, वो हम नेक्स्ट डे रिजॉल्व करते हैं. तो मैम कस्टमर फीडबैक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. क्या कहते हैं अभी समर्स में थोड़ा सा क्वालिटी इश्यू रहता है, बट मैम हम कंटिन्यूस हमारी जो प्लान टीम को है वहाँ जो कस्टमर का फीडबैक आता है पहले हम अपने एंड पे, और अगर ज्यादा ही इश्यू है तो हम प्लान टीम जो है उनको क्या कहते हैं जो है एनी हाउ वहाँ 24 hours काम करो या जैसे भी है, तो हम लोग मैम कस्टमर फीडबैक को उसमें काफी इम्पोर्टेंट. बल्कि ए टू मिल्क का तो जो हमारे हैं कंसिस्टेंट कस्टमर से 3 years से हैं जो है मैम, और बल्कि वो ही आगे हमें रेफर करते हैं, जो इसमें हमारा रहता है ये नहीं है कि हम न्यूज़पेपर में एड दे रहे हैं, हमारा इसमें रेफरल ज्यादा चलता है. yes. तो आप इनसे मिल्क लीजिए. yes. आप इनसे मिल्क लीजिए, और फर्स्ट सैंपल हमारा फ्री ट्रायल बेसिस के लिए देते हैं हम, ताकि इन्हें की आपको कोई कंपल्शन है आपको पे करना है, आपको जो है कुछ टाइम ट्राई करिए अच्छा लगे आपको चेक करिए, ट्रांसपेरेंसी देते कोई भी एनी बडी एनी टाइम कैन गो ऑन आवर प्लांट, और मतलब पूरा प्रोसेस देखिए कि कैसे मिल्किंग हो रही है, कैसे पैकिंग हो रही है, कैसे कैटल्स को क्या फीडी जा रही है, पूरा मैम जो है ट्रांसपेरेंट. तो कस्टमर फीडबैक का तो बल्कि कोरोना पेंडेमिक में हमारा जो है यही था कि एकदम से फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन हुआ था तब एकदम हर किसी के लिए ये चीज नहीं थी, तो कस्टमर रिक्वेस्टिंग कि भाई आपका ही मिल्क हमारा बच्चा पी रहा है तो एनी हाउ आप हमें प्रोवाइड कराइए, हमें नहीं पता आप हमारे को मिल्क कैसे देंगे, हम कुछ क्वालिटी है कुछ रिलेशन है कुछ गुडविल बनी है, तो बस इस वजह से जो है कस्टमर फीडबैक मतलब अच्छा भी लगता है कि लोग इतना मतलब डिपेंड है कि इतना प्यार करते हैं. और बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, आप लोग क्या यूनिवर्सिटीज के साथ भी कोलैबोरेट करना चाहेंगे आगे, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हो गई, पर्टिकुलरली डेयरी इंडस्ट्री होगी, अगर कुछ यूनिवर्सिटीज उसमें उससे रिलेटेड आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहें अपनी स्टडीज के लिए, तो आर यू ऑल्सो ओपन टू दैट? Yeah, we are open for them also. हमारी तो इवन मैम अभी विजिट्स भी हुई थी बैंक की तरफ से, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, उन्होंने हमें लोन दिया था, उनके लिए तो हम बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने, क्योंकि नए स्टार्टअप पे मैम जल्दी से कोई ट्रस्ट नहीं करता है, लेकिन उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ऐसा था कि उत्तराखंड वासी उत्तराखंड के लिए लेडीज, दो लेडीज मतलब मेन इसमें हमें ये बेनिफिट भी मिला कि दो लेडीज कुछ करना चाह रही है, तो अपने मतलब विजन से अपने एम से पीछे ना हटे या सिर्फ फंडिंग की वजह से ये हर चीज है, तो उन्होंने काफी हमें सपोर्ट करा, इवन कस्टमर्स भी दिए उन्होंने अपने लोन जो है, उनके मैनेजर हैं मिस्टर ठाकुर सर हैं, तो उन्होंने काफी हेल्प करी, तो उनका ही एक कॉलेज है. अच्छा. इधर है मैम वो राजपुर रोड पे, तो उन्होंने कॉलेज की तरफ से 2-3 विजिट्स हुई, वो यही उनका काम यही था कि स्टार्टअप जैसे उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक ने हमें एज अ स्टार्टअप लोन दिया था, उनका यही था कि मैम कैसे आपने लोन जो है रीपे किया, कैसे आपने किया ताकि और भी जो स्टार्टअप आते हैं बिल्कुल तो जो है उनको क्या मतलब क्या फैक्टर है जो हम भी आगे ये लोन देना ही होता है, क्या चीज हम देखें, क्या आपने ऐसा किया जो आप जल्दी जो है आप ब्रेक इवन पे आए फिर प्रॉफिटेबल बनाया, टाइम लगा तो
कहते हैं, हम विजिट्स के लिए तो होती है हमारे काम, जो है लोग आते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, फैमिलीज को हम बुलाते हैं, स्टे करवाते हैं वहाँ. सो श्वेता, प्लीज टेल मी अबाउट योर सक्सेस मंत्रा. हम सक्सेस मंत्र तो यही है कि क्वालिटी से दो कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी ही हमारा मेन था. इसमें मिल्क का क्या है, क्वालिटी का ही रहता है, क्योंकि मैम दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड विच वी गिव टू आवर एल्डर्स, ओल्डर्स एंड यंगर्स वंस. मैम मिल्क ही है जिसे जो ग्रोइंग एजेस में दिया जाता है, तो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. ट्रांसपेरेंसी है कि वॉट एवर यू आर गेटिंग, तो एज इट इज जो हमारी मिल्किंग हो रही है, एज इट इज 100% आपको वही डिलीवर हो रहा है, नो अडल्ट्रेशन एंड नो मिक्सिंग. इसके अलावा मैम ट्रांसपेरेंट वो कस्टमर फीडबैक, कस्टमर सैटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. आप 100% हर किसी को नहीं सैटिस्फाइड कर सकते, सबके अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, बट मोस्ट ऑफ देम या मैक्सिमम कस्टमर्स को सैटिस्फाइड, जो भी कंप्लेन किसी को अर्ली मॉर्निंग चाहिए, तो हम जितना हो सकता है उतना हम कस्टमर्स को सैटिस्फाइड, तो जो भी उनकी एडवाइस है या जो भी उनकी डिमांड्स है वो हम पूरा फुलफिल करने, इवन डिलीवरी टीम से या फिर हमारा एक मैनेजर है मिस्टर यतेंद्र जी, तो उनको जो है विजिट्स कराते रहते हैं मैम, क्या कहते हैं, कितनी बार मिलके जो है कस्टमर्स को भी अच्छा लगता है. इवन जो है हमारा एक हमने जो है टाइम टू टाइम हम अपने बारे में जो है हमने फार्म्स की पिक्चर्स देते रहते हैं, तो मैम उससे क्या होता है कि कस्टमर आपसे टच में रहता है. Each and every customers को क्या कहते हैं, importance दी जाती है. Right, Shweta. Yeah. Yes. So, quality है. हाँ जी. अभी जैसे मैंने भी आपसे पहले काफी I think packaged bottles के थ्रू ही काफी सारे वेंडर्स हैं जो मिल्क डिलीवरी कर रहे हैं, बट वट आई हैव नोटिस पर्सनली, जो मैंने पर्सनली नोटिस किया है वो ये कि क्वालिटी नहीं मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है मैम, बहुत मुश्किल होता है क्वालिटी मेंटेन करना. क्वालिटी नहीं मेंटेन करके रखते, आपने कमिटमेंट दिया है, आप कमिटमेंट से यू डोंट स्टिक टू योर कमिटमेंट्स. ठीक है, आपने डिलीवरी का जो टाइम प्रॉमिस दिया है उस टाइम पे डिलीवरी नहीं हो रही है, या बॉटल्स क्लीन नहीं है, राइट? सो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ श्वेता, कि आप यंग स्टार्टअप्स को जो इस डोमेन में काम करना चाहते हैं उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? मैम सबसे पहले टिप्स तो ये देना चाहूंगी कि जैसे हम अपनी फील्ड में नए थे, लेकिन अब जैसे हमें एक्सपीरियंस हो गया है तो बहुत मैटर करता है. तो जो भी यंग स्टार्टअप है, एक बार अपना होमवर्क जरूर अच्छे से करें, कि जो भी ऑलरेडी इस फील्ड में एग्जिस्टिंग है वेंडर्स, वो उनसे जरूर आइडिया ले काउस के बारे में. पूरा नहीं, ये नहीं कि खाली मार्केटिंग पे हमने फोकस करा हुआ है. मैम प्रोडक्ट सेल करना आज की डेट में ठीक है, आप कर लेंगे, लेकिन मैम क्वालिटी मेंटेन करना, प्लस आपका जो पूरा बैकफील्ड है, जो आपकी जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराएगा, उनको हैप्पी रखना, उनसे टाइमली डिलीवर करवाना, सारी चीजें मैम वो मैनेज करके चलनी होती है. उसके लिए थोड़ा सा हाँ आपको फंडिंग अच्छी चाहिए होगी, शुरू में इन्वेस्टमेंट बहुत होगा, तो आप पहले अपना इन्वेस्टमेंट अच्छे से मतलब देखें कि हमें फंडिंग की इश्यूज ना आए. आते हैं मैम, बहुत क्रंचेस आते हैं, आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस हर तरीके से करना होता है, टाइम से, मनी से, बट मैम ये भी एक फेज होता है जब आपने कुछ नया काम करना है, तो मैम बिना जो है हर्डल्स के कोई काम होता ही नहीं है मैम, चाहे आप रिलेशनशिप में और ये बिजनेस में. बिजनेस में तो हर्डल्स आएंगे, कंप्यूटर्स आएंगे, तो जो भी न्यू स्टार्टअप है मैम अपना होमवर्क अच्छे से करें. आजकल का तो यंगस्टर्स बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, तो एक बार अपने जो भी ऑलरेडी कंपटीटर्स हैं उनसे जरूर मतलब डिस्कस करें. और फंडिंग का थोड़ा सा ये, क्योंकि मैम बड़ा काम है, आप उसमें कैटल से लेकर डिलीवरी टीम तक और ऑफिस तक सब चीजें मेंटेन करके रखनी है. इसमें आपका ब्रेकेज भी काफी होती है, कांच की बॉटल्स है, वो सारी चीजें आपको जो है अपना होमवर्क में और अपने भाई हमें ये भी प्रॉब्लम आएगी ये भी, तो इसके लिए जो है टीम्स आपको बनानी पड़ेगी. आप सोचे कि मैं ही अकेला सब कुछ संभाल लूं, नहीं मैम, ये जो है आज हम पार्टनर्स हैं, तो पार्टनर्स की वजह से ही ये वेंचर सक्सेसफुल है. अगर मैं सोचती कि मैं अकेली ही करूँ, या मेरे हस्बैंड या मैं मेरी फैमिली सब कुछ कर लूँ, मैं चार अपने नीचे एम्प्लॉइज रखूँ, नो मैम, इट्स नॉट पॉसिबल. आपको क्या कहते हैं, इसमें जो है आपको क्या कहते हैं, टीम अच्छी होनी ही चाहिए. आपके जो पार्टनर्स हैं या जो भी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, अपने अंडर आप रखिए, और टीम बढ़ाने से कि हम ज्यादा एम्प्लॉइज रखेंगे,
तो मैम आपकी मजबूत स्ट्रांग होनी ही चाहिए, बिल्कुल। और एक ये है कि आपको अपनी टीम को बहुत अच्छे से लेके चलना, ये नहीं कि आपने कस्टमर तो नंबर वन है ही मैम, सेकंड पे आपकी टीम है मैम। अगर टीम को प्रॉब्लम आ रही है मैम अर्ली मॉर्निंग, सोचिए 3 बजे, लोगों के आजकल सोने का टाइम है, हमारी टीम का उठने का टाइम होता है मैम, तो वो चीज उनको सेटिस्फाइड करके रखना कि भाई तुम लोग अब हम ये काम नहीं कर सकते, हम करवा सकते हैं, हम कर नहीं सकते, वो चीज जो है मैम सारी क्या कहते हैं एक उस पे ट्रैक पे रखना कि हाँ डिलीवरी टीम को कोई दिक्कत आ रही है, तबीयत खराब है, एक्सीडेंट भी हो ही जाते हैं, बॉटल ब्रेकेज हो जाती है, जो है हमारे बल्कि जो 3-3 साल पुराने हमारे एम्प्लॉयज है हमने उनको अभी तक रखा हुआ है, वही हमारे मैम पिलर्स है, हमारी बैकबोन है जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉयज है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, क्योंकि यूजुअली एक कॉमन नोशन है ये कि वुमेन कैन नॉट लीड एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? एंड आप लोग तो फाउंडर्स हो इस पूरे अपने डेयरी फार्म के, सो आई हैट्स ऑफ टू यू, आप इतना अच्छे से अपना काम कर रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज लविंग योर वर्क. Everybody is loving your work. So, Shweta, according to you, किसी भी leader के लिए को जो भी organization lead कर रहा है, as a woman, what kind of challenges have you faced, and what do you think should be the qualities of a good leader? मैम लीडर का जो मेन इम्पोर्टेंट काम है अपनी टीम को मोटिवेट करके रखना मैम, चाहे एनी कोई भी प्रॉब्लम हो कि कस्टमर गुस्सा हो जाते हैं, जैसे हमसे तो फोन करेंगे लेकिन डिलीवरी बॉयज पे तो फेस टू फेस गुस्सा होते हैं, तो वो उनको डिमोटिवेट नहीं करना है मैम, नहीं होने देना है और अपने आप भी पॉजिटिव रहना है, जब हम पॉजिटिव है तो हमारी टीम भी पॉजिटिव. कितनी बार ऐसी सिचुएशंस आती है मैम, कोरोना का जब फर्स्ट लॉकडाउन था सब होपलेस हो गए थे कि हमें तो इवन हमें ये लगने लगा था कि हमें शटडाउन ना कर रहा, एकदम से सारी चीजें हुई थी. अभी सेकंड फेज के लिए तो हम लोग ऑलमोस्ट रेडी थे मैम, उसमें टीम जो फैमिली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं जिनके फैमिलीज हैं वो एकदम से घर पे नहीं हम नहीं आएंगे, तो उनको मोटिवेट करा कि भाई हम एसेंशियल सर्विसेज में है, हमारे से बहुत सारी फैमिलीज जुड़ी हुई है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लेकिन खाली हम इतने सेल्फिश नहीं हो सकते कि सिर्फ हम अपनी फैमिली को बचाने के लिए कि हमें कुछ ना हो, हम इतनी सारी फैमिलीज को स्टेक पे रखते हैं, तो मैम कंटिन्यूस मोटिवेट करना, फिर प्लान टीम को मोटिवेट करना. अच्छा लीडर के लिए क्या है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी आप जिम्मेदार है, कुछ गलत हो रहा है तो भी आप जिम्मेदार, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो जो है उसमें हिम्मत बनाए रखनी है अपनी भी, अपने से जुड़े लोगों को भी, और टीम को कंटिन्यूस मैम जो है उनको प्यार से गुस्से से जो है मोटिवेट करके रखना मैम. तो लीडर के लिए ये है कि जो है आपके आसपास के आपके इवन रिलेटिव है फ्रेंड है आपको डिमोटिवेट करते हैं कि भाई तुमने बहुत ऐसा कैसे इतना बड़ा काम कर लिया, कैसे करोगे, क्या तुम क्या इश्योरेंस है कि आप 100% प्योर दे रहे हैं, तो बहुत लोग हैं डिमोटिवेट करते हैं. कितनी बार मैम अंदर ही अंदर लगता है कि यार फर्स्ट ईयर तो मतलब ऐसा था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड वी डू, लाइक जो है फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे थे, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इमोशनल हेल्थ मैम क्योंकि 24 आवर्स मैम इवन फेस्टिवल्स है, हम लोग प्योर पैशे है तो हमारे फेस्टिवल्स भी था तो उसमें भी टाइम देना है, आने जाने मैम बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, लेकिन ये है कि सब एक फेज होता है, ये किसी भी कोई नया काम किया है तो ये चीजों के लिए रेडी रहना पड़ता है, निकल जाता है ये टाइम, थोड़ा बस हिम्मत इसमें बहुत रखनी है मतलब आप लगता है कि जो है जिन्होंने इतना मतलब जीरो से स्टार्ट करा है उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, मैं तो फिर भी थोड़ा सा जो है रिसोर्सेज मिले हैं वो और हमने आगे बढ़ाया, और एक हमारा जो है सबसे बड़ा हम फोर फादर्स का अपने मानते हैं कि आशीर्वाद है, बिना बड़ों के आशीर्वाद का जो है आप कुछ भी काम करें जल्दी से सक्सेस, अगर बड़ों का आशीर्वाद है मतलब कुछ भी आप करें बिल्कुल जो है मैम किसी का दिल ना दुखाएं और जो है क्या कहते हैं अपने तरफ से अच्छा ही करें, बिल्कुल बहुत सही चीज है. इस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फीमेल के लिए, जब वो घर से बाहर जाती है और खासकर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक लीडिंग पोजीशन हैंडल कर रही होती है, तो उस टाइम पे फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, तो आपके केस में भी हाउ वाज इट लाइक?
मैम मेरा तो फुल सपोर्ट रहा, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि हम इतना आगे तक बढ़ पाए. मेरे हस्बैंड है, मेरे किड्स हैं, मेरे इवन सिस्टर इन लॉज है, एक्चुअली मेरे इन लॉज नहीं है, बट उनका बहुत आशीर्वाद जो मैं मानती हूँ कि आज हमने किया. बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है मैम, जो मिल्क का काम है ना, ये बहुत कच्चा काम होता है मैम. इसमें जरा सा भी किसी कस्टमर को हो गया, चिढ़ गया मैम, वो मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए माइनस पॉइंट है. और ये चीजें जो है कि जब आप अच्छे इंटेंशन से कर रहे हो, अच्छे लोगों के साथ कर रहे हो, तो मैम ये हर्डल्स भी निकल जाते हैं. तो फैमिली सपोर्ट तो रहा, पूरा रहा, बल्कि बच्चों के साथ थोड़ा सा मतलब उनकी, जैसे पहले मैं ही पढ़ाती थी, फिर ये कि उस हिसाब से देखा गया कि ट्यूशन पे या थोड़ा टाइम उनका डिवाइड हुआ, क्योंकि बच्चे बहुत कोऑपरेटिव रहे, क्योंकि छोटे ही थे आज से 3 साल में, बट ना क्या कहते हैं, फैमिली सपोर्ट पूरा बहुत रहा श्वेता, फैमिली सपोर्ट पूरा. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है जो आई थिंक मेरे साथ साथ बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, बहुत लोग पूछना चाहते हैं, व्हाट इज मेसर्स ग्रैंडपा? ये वर्ड कहाँ से आया और आपने अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन को ये नाम कैसे दिया? अच्छा, यस मैम, ये काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है जो हमसे जुड़े हुए हैं कि मेसर्स ग्रैंडपा मतलब क्या लॉजिक है, क्या. तो ग्रैंडपा मैम, ग्रैंडपा हो गए हमारे दादा फोर फादर्स या हमारे जो ग्रैंडफादर हैं. तो जो है मैम बताया अभी, जैसे पहले बता चुकी थी कि पितरों का आशीर्वाद. एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ कुछ भी हमारे साथ अच्छा होता था ना, ये पितरों का आशीर्वाद, ये पितरों का आशीर्वाद है. तो जैसे पहला बेटा हुआ, पितरों के आशीर्वाद. तो मैम वो हर चीज में, कुछ भी छोटा सा भी फेस्टिवल है, छोटा सा भी फंक्शन है, वो हर सबसे पहले फोर फादर्स को जो है पूजा करना. तो ये चीज मैंने आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा उनसे मतलब गेन की. फिर मेरे जो हस्बैंड है वो अपने पेरेंट्स को मतलब मैं कहूंगी सच जो है लकी पेरेंट्स, माय इन लॉज जो थे वो इतने अच्छे, मतलब जैसे आप ही आज की डेट में हमारे साथ नहीं है, बट उनका आशीर्वाद ही है मैम जो हमें इतना आगे तक ले जा रहा है. तो इसलिए हमने अपने फोर फादर्स के नाम पे थोड़ा एक पार्टनर को हुआ था, पर उन्हें लगा कि चलो पितरों के आशीर्वाद से या बड़ों के आशीर्वाद से जो भी काम होता है उसमें कभी भी हमें जो है लॉस नहीं होता है. तो जो है हर्डल जरूर आएंगे. क्या होता है मैम, किसी भी फैमिली में ना, जैसे कोई प्लांट है, कोई ट्री है, जब उसकी जड़े हेल्दी रहेंगी तो जो हमारे फोर फादर्स है वो हमारी जड़े हैं, हमारी रूट्स हैं उनका. जब वो हेल्दी रहेंगे तो पेड़ भी उतना ही हेल्दी रहेगा. जब जड़े को, जड़ों का ही हम अपने रूट्स का ही नहीं ध्यान रखेंगे तो पेड़ कैसे है. right. बस ये थोड़ा सा एक फंडे फंडे हमारे जो लाइफ के था कि फंडामेंटल थिंकिंग जो मेरे को लगे मैंने सीखे अपने लॉ से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे जो खुद के ग्रैंड पेरेंट्स, बस right. उनको ही थोड़ा सा इम्प्लाई करे कि एटलीस्ट उनको जो है हम थैंक यू कह सकें कि आज आपकी वजह से. थैंक यू सो मच श्वेता, आप हमारे इस मंच पर आई एंड इट वॉज वंडरफुल हैविंग यू विद अस टुडे. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस एंड आवर व्यूवर्स. और हम मतलब कि तहे दिल से आप सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं, ठीक है. और वी विश योर टीम मेसर्स ग्रैंडपा ऑल द सक्सेस इन योर फ्यूचर एंडेवर्स. आपको, आपकी टीम को और विद्या विद्या जी को भी हमारा बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस मैम. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस मैम. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.